सारे काम करती हूँ कोलकाता में और मैं मुंबई से आई हूँ। हम भी बेसिकली पूरा टीम का मकसद यही है कि क्या हुआ है बंगाल में ये जान पाए और शांति कैसे हो ये आपसे समझ पाए। तो इसलिए अगर आप बंगाली में बात करना चाहते हैं तो ये दोनों ट्रांसलेट कर पाएंगे, लेकिन अगर हिंदी में बात किया तो वेरी गुड। तो अगर आप हमें जनरली बता पाए कि ये दंगे कैसे हुए और क्यों हुए, आपका व्यू क्या है? सुनो, ये जो दंगा है ना, इसका अंदर में जो पार्टी मौलवादी जिसको कहता है मौलवादी कम्युनल कम्युनल वो लोग बनाया मेनली जाके जंगी जंगी जिहादी जंगी ज्यादा ये लोकल जो मुस्लिम है वो लोग नहीं थे। मेनली जिहादी जंगी जिसको जिहाद बोलता है जे इस्लाम प्रसारण के लिए वो लोग अंदर में था। तो कहाँ के वो लोग? इंडिया इंडिया के थे कि बाहर? ये बाहर से आया तब तब सिलसिला नहीं मिला, कारण बहु बांग्लादेशी अवैध भावे एखाने बास करे। कितने होंगे मतलब जैसे तो बता नहीं सकता, बहुत बहुत है। वो लोग शेल्टर दे रहा है ये सब जंगी को, जंगी को शेल्टर लोग दे रहा है, इसीलिए ये झूठ झमेला बहुत हो रहा है। तो ये जो 2 जुलाई को सोविक सरकार के घर में गए थे, भीड़ गई थी तोड़फोड़ किया, उसके बाद जगह जगह वायलेंस हुआ, तो उसमें आपको लगता है बाहरियों ने किया? सब मैक्सिमम बाहर में था, लेकिन 2-10 आदमी तो यहाँ का है ही, क्योंकि लड़का लोग सबसे मजाक बात यही है, 10 वर्ष से 22-23 वर्ष लड़का बहुत हल्ला किया, जिसको मैक्सिमम तो क्या मदरसा का स्टूडेंट। कितने मदरसे हैं यहाँ? बहुत मदरसे। लोकल जो मुस्लिम है ना वो लोग जोड़ झावला में व्यापक नहीं थे, अंदर अंदर थक सकता है किंतु प्रकाश में ज्यादा नहीं। तो जो फिर हिंदुओं की तरफ से जो 5th June 6th को जो हिंदुओं की तरफ से फिर लोग निकले सड़क पे और जिसमें यहाँ के एमएलए को भी अटैक किया, वो लोग कौन थे? हिंदू थे यहाँ का, लोकल थे वो, लोकल एवं तृणमूल। तो ये लोग क्यों निकले इसको इन लोगों को? आप तो उनके बीच ही होंगे, तो इनको किसने निकाला? कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन इधर जो परिस्थिति था ना, हिंदू लोग अंदर में घुसता था, टाइम हुआ है बाहर आ गए। लेकिन क्या क्या परिस्थिति? परिस्थिति यही है, जो सरकार है इसके आज 34 वर्ष CPM थे, वो लोग तोषण चलाता था, अभी जे 6 वर्ष TM से आया, ज्यादा तोषण चल रहा है।
उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसीलिए हिंदू का मन पर बहुत गोसा था, कारिगोहित प्रकाश होते। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने बोला अपीजमेंट के हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदुओं को नहीं पसंद है? मैंने कि भावे मैंने तोषण तक कि भावे करते हो देखे बेशी बेशी चाकरी दिए दिच्छे ना कि ओ देखे प्रचुर पड़ी माने दोरुम माने सामाजिक सहायता दिच्छे है राजनैतिक सहायता आईनी सहायता मैं पट्टा एक ही अपराध একটা হিন্দু ছেলে যদি করে সেই যতখানি শাস্তির আওতায় আসে, সেই জাতীয় অপরাধ যদি একটা মুসলিম ছেলে হয় ততখানি শাস্তির আওতায় আসে না। Something has happened, and perpetrator, when perpetrator is a Muslim, then TMC is saving them. Oh. And if it is a Hindu, then they are, you know, treated otherwise. So this is what he is saying. तो उस दिन जो public निकली Hindu, उसके पीछे BJP का हाथ नहीं था? नहीं, BJP का हाथ नहीं। मतलब स्वतस्फूर्त स्वतस्फूर्त था। हिंदुरा बेरिए इससे सबसे बड़ो व्यापार ही বিগত সত্তর বছরের ইতিহাসে আমার 66 বয়স বা হিন্দু মহিলা সংঘবদ্ধভাবে এই শক্তি ইতিপূর্বে কখনো বসিরহাটের মুখে দেখায় হিন্দু মহিলা মহিলা নাই। Specifically Hindu women who got together and protested. उनका क्या कुछ दुर्गा वाहिनी वगैरह यहाँ है? नहीं दुर्गा वाहिनी दुर्गा वाहिनी यानी किच्छु ना एक एक ता मोहल्ला है शुद्ध आह्वान इससे कुत्ते के किधर ना बोले चे बेरी पड़ो ताकि मनुष्य बेरी पड़ो। The reason is वो दुर्गा वाहिनी active here, so just in every every colony there was a call, come out. लेकिन किसने दिया ये call? Who gave this call? मालूम नहीं, call कितने दिया कोई मालूम नहीं। RSS के लोग हैं या कोई चुपचाप काम करते हैं? थोड़ा है, कमती है, खूब कम। वो लोग call नहीं दे पा? नहीं call। मुझे एक बताइए जो ये मुस्लिम जो मॉक था क्या लगता है यार ये कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है मुस्लिम युवाओं को भड़काने में या मुस्लिम युवा कैसे संगठित हो रहे क्योंकि आपने भी कहा कि 10 से 23 साल के बीच के मुस्लिम युवा जो है वो मॉब में थे तो उनको कोई संगठित कर रहा है? सुनिए हम लोग देखा 20 साल पहले आज से 20 साल पहले এত পরিমাণে একটু বুঝে বলবে এত পরিমাণে মুসলিমদের মধ্যে ওই বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা এত রেওয়াজ ছিল না। হ্যাঁ বলে রাখি কি 20 সাল পহলে ভি ইতনা জাদা মুসলিম কা জো রিচুয়াল হ্যায় বা মুসলিম মুসলিম জো মতলব জো ফাংশনস হ্যায় ও ও নেই হোতা থা আবি হো রাহা হ্যায় মসজিদ মে জাদা মিলাদ ইসলাম ইসলামী জলসা এ সাই ইসলামী জলসা মিলাদ এত 20 বছর আগে এত হতো এ আবি হো রাহা হ্যায় আবি জাদা হ্যায় অনেক বেশি হ্যায় लेकिन तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट कौन है? जैसे यहाँ पे मुसलमानों का संगठन तो है नहीं जो ऐसा हो। संगठन तो जिसे हुजी की आईसीस
এই সমস্ত সব সংগঠনের নাম তো আমরা বাইরের থেকে বুঝতে পারি না। হ্যাঁ 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 বাইরের থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু নিশ্চিত আছে। তা নাহলে এত দ্রুত কখনো এইভাবে এরা লড়তে পারত না। ये बोल रहे हैं कि हुजी आईसिस ये है कि नहीं है ये उन्हें पता नहीं, लेकिन जमात इस्लाम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन तो ये है कि नहीं है उन्हें श्योर से पता नहीं, लेकिन कुछ तो इन्फ्लुएंसेस है जिसके बारे में ये शॉर्ट टाइम में वो इतना इतना रायट ऑर्गेनाइज हो गया। তৃণমূল কা আদমি গ্রুপ ফাইট হিসেবে মানে গোষ্ঠীবাজি আছে টু গ্রুপস তৃণমূল তৃণমূল কাজ গ্যাংওয়ার হ্যাঁ এসে বারে মেয়ে এমএলএ টাইট তৃণমূল কন থে কে কে ছিলেন দেবদেবীর লাঞ্ছনা মা কালীর লাঞ্ছনা সাধারণ হিন্দু মেনে নিতে পারে যতই তৃণমূল করবে, এইটা হাট করেছে। স্যার বল রা হ্যাঁ কি ইয়ে যো হামারে যো হিন্দু দেবদেবী হ্যায় জেসা কা মা কালী কা মা দুর্গা ইসকো মুসলিম মুসলমানো নে ইসকা প্রতিমাও কো অ্যাসল্ট কিয়া ঠিক আছে। ইয়ে হ্যাঁ কব এ তো বসিয়া তো বহু কব কি বাত হই কবেকার কথা বুধবারে বুধবার বৃহস্পতিবার ওই তারিখে মতলব টিউজডে ইয়া ওয়েডনেসডে নে ইয়ে হুয়া অ্যাসল্ট আপনি দেখা ইসকা প্রুফ কিয়া হ্যায় প্রুফ তো আবি হ্যায় কোথায় কোথায় আছে ময়লাখোলা যাহা পর মিলে না পেলে মানে চড়া ওয়া পর এক মন্দির হ্যাঁ পর যে মা কালী কা মন্দির হ্যাঁ পর মুসলিম মুসলমানো নে অ্যাসল্ট কিয়া ভেঙে দিয়েছিল আঘাত করেছে বোমা মেরেছে এই সমস্ত হ্যাঁ ও হিন্দু লোক সহি সে নেই লিয়া মতলব উনহে অ্যাঙ্গার জেনারেট হুয়া ইসলিয়ে এই অ্যাটাক হুয়া ইয়ে ডিফাইন কর রহা হ্যায় স্যার। यहाँ पे कैसे पहले की राजनीति में यहाँ सीपीएम थी कभी स्ट्रॉन्ग? हाँ सीपीएम पहले थे। कौन लोग सीपीएम में होते थे? वो लोग अब कहाँ हैं? अब नहीं है। नहीं जो लोग सीपीएम वाले थे वो अब कहाँ हैं? कौन सा पार्टी में है? মানে কোন পার্টিতে এখন আছে? কে সিপিএম? হ্যাঁ ও ম্যাক্সিমাম তৃণমূল এন্ড বিজেপি, বিজেপি তো কম এসছে। তো সিপিএম কে খতম হওয়ার কি রিজন কে হ্যাঁ মতলব জেসে সিপিএম ইয়াহ থা তো ও থোড়া এক মাহল বানা রাখতা না মতলব শান্তি কা মাহল মুসলিম আগর উগ্রবাদ কো ভি বাড়নে নেই দেতা থা ইধর ভি তো ইয়ে ক্যুঁ সিপিএম কে খতম হোনে সে কেসে খতম হুই সিপিএম? সিপিএম সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে কারণে সিপিএম গিয়েছে বৈশাখ থেকেও প্র্যাকটিক্যালি সেই একই কারণগুলো অত্যাচার। আচ্ছা সিপিএমের অত্যাচার দম্ভ পার্টি ক্যাডার এটাই বদলের কারণ। তো আপ কই পার্টি ক্যাডার নেই কে সিপিএম কো পার্টি ক্যাডার? আরে হ্যাঁ হি বহুত কম বহুত কম সব চলা গেছে সব চলা গেছে সংগঠন ছোড় কে চলা গেছে দুপাশ। আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার যে সিপিআই এর যে আমাদের যে এমপি ছিলেন অজয় চক্রবর্তী তার ছেলে বিজেপিতে এসেছে এটা কি ঠিক? মানে সওয়াল কিয়া কি সিপিআই কা যে এক্স এমপি থা ইয়াহ কা অজয় চক্রবর্তী উনকা বেটা বিজেপি জয়েন কিয়া আভি কতদিন আগে করেছে? এই তো প্রায় মাস ছয়েক তো আছে। 6 মাসে পেলে উনোনে বিজেপি জয়েন কি সিপিআই কা এক্সিস্টিং এমএলএ কা এই যে লোকসভা সিট ইয়াহ কি কে নাম হে বসিরহাট হ্যায় পেলে ভি থা আভি ভি হ্যায় ও পেলে লেফট কি থি লেফট সিপিআই কি থি 2009 তক সিপিআই কা সিট হ্যায় তো উনকা লড়কা বিজেপি জয়েন আভি বিজেপি জয়েন কিয়া ও লড়েগা
वो बात नहीं है, लेकिन ज्वाइन किया। तो 2019 में क्या बीजेपी यहाँ से जीत सकती है एमपी? 19 में मैथमेटिक्स जो है नहीं जीत सकती, मुस्लिम वोटर ज्यादा है, 50% ज्यादा है, ज्यादा लोकसभा में ज्यादा है। कत परसेंट मुस्लिम है बोशीहाट लोकसभा? अबव 60, 61, 60 मुस्लिम वोटर जो है बोशीहाट में 61 से भी ज्यादा है। तारा एक दे टीएमसी के दे, टीएमसी के दे। तो फिर ये अजय चक्रवर्ती कैसे जीतते थे? ये तो मुस्लिम थे नहीं। अजय चक्रवर्ती कैसे जीतते थे? ये तो मुस्लिम थे नहीं। ना ना मुस्लिम वोट में तो मुस्लिम सीपीएम में था, सब स्वाधीन भारत के प्रथम 30 ईयर्स मुस्लिम कांग्रेस का था, बंगाल में एक ही हाल था। उसके बाद 77 से आपको मालूम है नासबंदी का, हाँ यह नासबंदी का प्रभाव था। तो 77 में चेंज हो गया, मुस्लिम कम्युनिटी सीपीएम सीपीआई को पकड़ लिया, बस दीर्घकाल चल रहा है, अभी तृणमूल पकड़ लिया। আচ্ছা স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে এই আপনার এরিয়ার কথাই বলছি, যে এই সামনে ত্রিমণীতে যে এই অ্যাপেলো ফার্মেসি রামকৃষ্ণ সেবা সদন এগুলো মানে আক্রমণ হয়েছে আমি শুনেছি, তা এটা কারা করেছে, মানে আপনার ইয়ে কি, মানে এটা কোনো গভীর রাতে হয়েছিল? আচ্ছা ঠিক আছে, তবে নিশ্চয়ই লোকাল লোকের সমর্থন ছিল, তা যদি না থাকে তাহলে ওই রাতে ভিড়ের মধ্যে কোনটা হিন্দুর দোকান কোনটা মুসলিমের বাড়ি এটা বাইরের থেকে যদি কেউ দুর্বৃত্ত আসে, এসেছিলাম ধরে নিচ্ছি, কিন্তু সে তো আইডেন্টিফাই করতে পারে। ঠিক, লোকাল নিশ্চয়ই সঙ্গে কেউ ছিল, কিন্তু সাধারণ অঙ্কের হিসাব। बोल रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा ही दूर में त्रिमोनी बोल के एक जगह है, वहाँ पर त्रिमोनी बोल के एक जगह है, हम जाएंगे फिर वहाँ, वहाँ पर एक अटैक हुआ था, वहाँ पर एक अटैक हुआ था कि चुन चुन के जो हिंदू दुकान है वहाँ पर मॉब अटैक किया। कब की बात है ये? 3 तारीख, 3 तारीख, 3 तारीख को, 3 तारीख को ये बात हुआ। एंड सर बोल रहे हैं कि अगर अंदर का है त्रिमोहिनी कितने शॉप्स हैं हिंदू के? बहुत सारे दुकान है, लेकिन चुन चुन के मुसलमान भी, मुसलमान की दुकान भी वहाँ पर है, लेकिन उन्होंने उन्होंने हाथ नहीं लगाया, फिर हिंदू जो दुकान है वहाँ पर उन्होंने अटैक किया। बासंती टीवी स्टेट। लेकिन ये जो मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम जो ये कर रहे हैं दंगे या हिंदू को अटैक कर रहे हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से है या किसी एक मदरसे से है, कहाँ से है ये मुस्लिम? एक बात ख्याल से सुनिए, मुस्लिम कम्युनिटी यही है, वो लोग हिंदू को विरुद्ध एक साथ में लौटना वही का वो लोग का आदत है, जो हिंदूर विरुद्ध लड़ार समय अत्यंत द्रुत ऐक्यबद्ध है, बुझे बोला? हिंदूर विरुद्ध लड़वार समय मुस्लिम कम्युनिटी द्रुत ऐक्यबद्ध है। তারপরে বাইরের থেকে কে মদত দিল, কোন সংগঠন মদত দিল, এগুলোর অপেক্ষা বড় একটা রাখে না, এটি মানে হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট, এটি অপেক্ষা রাখে না, শুধু আওয়াজ উঠলেই দ্রুত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। সেটা কি আগে থেকেও হয়েছিল? মানে বহুবার, কিন্তু ইতিহাসের কথা, এগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়। দাঙ্গা তো হয়নি, ভোটে বোঝা যায়, ভোট দেখলে বোঝা যায়, ভোটের রেশিও দেখলে বোঝা যায়। দাঙ্গা জানি হওয়া কবি না কুছ কি বাদ দাঙ্গা 64 মে 64 লাস্ট হজরত বাল মসজিদ কে লিয়ে যে काम झंझट हुआ ना हिंदुस्तान में, उसी टाइम थोड़ा हल्ला हुआ, लेकिन दंगा नहीं हुआ। ये जो परिस्थिति है
70 बचर का अंदर में कोई नहीं हुआ, 64 लास्ट में हल्ला हुआ था, लेकिन दंगा नहीं ना, दंगा अग्निसंजोग ये समस्त इंडिया माया प्रथम। आरएसएस के जो शाखाएं बढ़ रही है बंगाल में, क्योंकि न्यूज़पेपर मीडिया में भी आया है, स्टडीज है, तो उससे क्या फर्क पड़ा है हिंदुओं पे बंगाल के? बंगाल में आरएसएस का प्रभाव थोड़ा है, ज्यादा नहीं। नहीं, लेकिन बीजेपी का वोटिंग भी तो बड़ा है इस बार, तो उसमें भी तो आरएसएस का कुछ हाथ होगा ना? हाथ है ही, तो वो लोग तो हिंदू जागरण लगाता है, राजनीति नहीं करता है, लेकिन हिंदू जागरण के लिए तो वो लोग काम करता है, हिंदू जागरण से बातों पे जागरूक करते हैं। हाँ, हिंदू जागरण विभिन्न अनुष्ठान है, जागरण कथा वाला बोल है, अरे राखी बंधन है, देखे रक्षाबंधन देखे। স্যার বলছি যে আরএসএস কিছুদিন আগে রামনবমী নিয়ে সারা ভারতে বা সারা পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় মিছিল বার করেছে, বাইক মিছিল, বসিরহাটে কি এমন কিছু হয়েছিল? রামনবমীর অনুষ্ঠান হয়েছে, অনুষ্ঠান এখানে প্রতি বছর হয়, যারা একটু মানে আরএসএস এর সঙ্গে যুক্ত সেরকম লোকেরা অংশগ্রহণ করে, ছোটখাটো মিছিল হয়। मैं बोल रहा हूँ कि जो रामनवमी का लेकर यहाँ पर कभी मतलब इस साल में ही ज्यादा मिछिल हुआ, ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुआ, बशीरहाट में क्या हुआ था ऐसा? तो सर बोले ना बशीरहाट में इतना आकार में नहीं हुआ, लेकिन छोटा छोटा जो आरएसएस का जो अनुष्ठान है ये सब वगैरह छोटा छोटा करके हुआ। अभी नया है, दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पूजा गणपति यही प्रथम आप हमें यहाँ कौन सी अगर आरएसएस की शाखा है तो वहाँ कांटेक्ट करके अगर हमें हम जाना चाहेंगे। आरएसएस का शाखा है लेकिन वो लोग तो अभी नहीं रहता है, आते बटे एक दो जन थके तार वर्ष तो थके ना वो काज जो बात होते एक जन थके ना हम काज बिल्ली जब अभी जाए रेगुलर शाखा नहीं लगती ना, रेगुलर शाखा है क्या ना कुआटे लगे जो रोज सुबह लगती जो है। हाँ, जो आसे वो उन्नत्र वेश आगे क्या ना चीलो अनेक आगे चीलो वो सी हटी अंत तो गोटा आस्ते है प्रचारक है लेकिन तो बाहर है अभी नहीं वो नहीं। वो बोल रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है आरएसएस का वो इतना रेगुलर नहीं है, मतलब आते हैं आते नहीं है, एक दो आदमी है जो मेंटेन कर रहा है, लेकिन ज्यादातर से आरएसएस का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर। लेकिन उनसे बात करनी हो तो आपकी बात तो नहीं टालेंगे वो, डेफिनेटली हमें भाई यहाँ है नहीं है ना, अभी यहाँ है नहीं, एक ना है नहीं, नहीं पता आसे जाने ना কারণ মুঝে তুমি বার করতে পারবে, আমি যাও জায়গা বলে দিতে পারবে। বলুন ওই ঘড়িবাড়ি ভিতরে? হ্যাঁ বলেছিল, মুনাই আমায় বললো, কিন্তু বললো যে পাওয়া যাবে কিনা, তখন পাওয়া যাবে কিনা তার কোনো তুই দেখতে পারিস কারণ সময় একজন থাকে তো প্রচারক, সে সারা সাব ডিভিশন করে বেড়ায়। আচ্ছা, তার পাওয়া মুশকিল। हाँ बोल रहे हैं कि एक ही प्रचारक है, उनका नाम है करण, मुझे पता है, वो पूरा सब डिविजन कवर करता है। अच्छा, तो वो, मिलेंगे? वो मिलना मुश्किल है उन्हें, अब तक उनका नंबर नहीं है। नंबर है क्या? नहीं नहीं ना, नंबर नंबर नहीं मिल पाएगा। वो अच्छे शो का नहीं मिलता है यार, आरएसएस प्रचारक सबको एंटरटेन करते हैं, দেখিনি সেই যে মানে পুলিশ উদ্ধার করে তাকে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরে আর কেউ দেখিনি পুলিশ উদ্ধার করে। হ্যাঁ, তাহলে তো মরেই গেছে, পুলিশ রেস্কিউ কিয়া ফির কলকাতা চলা গিয়া ফির ওয়াপাস অভি ভি নাই আয়া।
मैंने देखा नहीं किसी ने, आया तो भी देखा नहीं, तो भीतर लेकिन उन्होंने देखा नहीं, अनुष्ठान देखा नहीं पब्लिक में, उन्होंने अपीयर नहीं किया अभी तक उन दंगे के बाद। आरएसएस से प्रभाव ये अंचले हिंदू महले सर्वत्र सब जगह जो शाखा है तरह प्रभाव पड़े ता आर एस एर प्रभाव सर्वत्र आज लोक जन कम क्योंकि डाकले लोक है जो अनुष्ठान करते चाय मोटरसाइकेल रैली कि एक बड़ो रैली ताते क्योंकि हजारे हजारे लोक आसब अनुष्ठान करते কিন্তু ওই রকম যে উত্তরপ্রদেশে যেভাবে আরএসএস এর এ আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেইভাবে কারণ করে না, অনেকে প্রকাশ্যে ভয়ে আসতে চায় না তো, কিন্তু অনুষ্ঠানে আসে অনুষ্ঠান করলে আসে। ট্রান্সলেট করতে আরএসএস আরএসএস শাখা আর নট ওয়েল এস্টাবলিশড ইন দিস এরিয়াস ওকে, বাট দেয়ার আর আরএসএস পিপল, দেয়ার ইজ অ্যান ইমপ্যাক্ট অফ আরএসএস